हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ना सिर्फ कंप्यूटर का प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि उन्हें प्रशिक्षण के बाद 6 महीनों का रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से 10वीं और +2 पास विद्यार्थियों को DCA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और PGDCA यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स करवाती है। मंडी जिला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से जिला के 8 केंद्रों में 10वीं और +2 पास विद्यार्थियों को DCA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और PGDCA यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स करवाए जा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार ने अब कुछ और वर्गों को भी शामिल किया है। पहले यह निःशुल्क कोर्स SC ST OBC और माइनॉरिटी से जुड़े परिवारों के बच्चों के लिए ही थे, लेकिन अब सरकार ने एकल नारी, विधवा और अपंगों को भी इसमें शामिल किया है। उक्त कैटेगरी से संबंध रखने वाले जिन परिवारों की वार्षिक आय 60,000 से कम है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आवेदक को जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के पास अपना आवेदन जमा करवाना होगा। आवेदन के बाद उन्हें नजदीकी प्रशिक्षण संस्थान में DCA या फिर PGDCA का निःशुल्क कोर्स सरकार की तरफ से करवाया जाएगा। जैसे ही कोर्स पूरा होगा फिर उन आवेदक को सरकारी कार्यालय में 6 महीनों का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए उन्हें मासिक वेतन भी दिया जाएगा। मैं पहले तो बता दूं कि जो हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो स्कीम है वो पर्टिकुलरली पहले SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए रन करते थे डिपार्टमेंट के माध्यम से, लेकिन अब उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें जो सिंगल वोमेन हैं, विडोज हैं और डिसेबल्ड जो हैं अबव 40% उनको भी कवर अप किया गया है इस स्कीम में। थोड़ा सा ये चेंज हुआ है कि जो कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन है उसको आगे के लिए जो बच्चा PGDCA और DCA करेगा उनको 240 दिनों का कम से कम रोजगार भी मुहैया कराना होगा। आपको बता दें कि जिला कल्याण अधिकारी RC बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अब इस योजना में एकल नारी, विधवा और अपंगों को भी शामिल कर लिया है, जबकि प्रशिक्षण के 6 महीने के रोजगार का प्रावधान भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।